वन प्लस इलेवन वर्सेज सैमसंग गैलेक्सी एस ट्वेंटी एफ ई 5G। तो गाइस आज मैं करने वाला हूँ इसी दोनों फोन का कैमरा टेस्ट, कैमरा कंपैरिजन, इंडोर आउटडोर बहुत सारे फोटोज और वीडियोज मैंने क्लिक किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुँचाते रहे। हेलो वेलकम दोस्तों, मैं किशोर, आप देख रहे हो राधा बीट्स। तो आइए चले देखते हैं। तो दोस्तों हमारे पास वन प्लस इलेवन 5G और सैमसंग गैलेक्सी एस ट्वेंटी एफ ई 5G। तो गाइस बात करते हैं वन प्लस इलेवन 5G की, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का प्लस 48 मेगापिक्सल प्लस 32 मेगापिक्सल। और गाइस बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी एस ट्वेंटी एफ ई 5G की, तो यहाँ पे भी आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 12 मेगापिक्सल का प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल। और गाइस बात करते पे दोनों ही फोन के फ्रंट साइड की, तो यहाँ पे आपको वन प्लस इलेवन 5G के अंदर एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और गाइस बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी एस ट्वेंटी एफ ई 5G की, तो यहाँ पे आपको एक 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो गाइस जैसे इस दोनों फोन का कैमरा ऐप ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस सभी फीचर्स को यूज़ करते हुए इसे मैंने ढेर सारे फोटोज और वीडियोज़ क्लिक किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट है। वैसे वीडियो के लास्ट में मैं मेरा ओपिनियन भी देने वाला हूँ कि मुझे पर्सनली इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी। तो आइए चलिए देखते हैं कुछ फोटोज एंड वीडियो सैंपल। तो दोस्तों ये जो वीडियो देख रहे हो मैंने इसी वन प्लस इलेवन 5G और इसी सैमसंग गैलेक्सी एस ट्वेंटी एफ ई 5G के फ्रंट कैमरे को यूज़ करते हुए क्लिक की है। यानी कि इन स्मार्टफोन से आप व्लॉगिंग वगैरह करते हो तो इसका ऑडियो और वीडियो क्वालिटी जो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स आपको इन दोनों में से किसके कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
दोस्तों अभी जो आपने फोटोज एंड वीडियो सैंपल देखे मैंने इसी सैमसंग गैलेक्सी S20 FE5G और इसी OnePlus 11 5G के फ्रंट और रियर कैमरा को यूज करते हुए क्लिक किए थे। तो गाइस आपको इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और दोस्तों बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो मुझे पर्सनली सैमसंग गैलेक्सी S20 FE5G का कैमरा क्वालिटी अच्छी लगी। OnePlus में चाहे आप कोई भी ब्लेड लगा दो, हैसल ब्लेड या कोई भी ब्लेड, उसका कैमरा क्वालिटी फिलहाल इतनी भी अच्छी नहीं है, जबकि Samsung Galaxy S20 FE5G बहुत साल पुराना है, यानी कि OnePlus को लॉन्च हुए तकरीबन एक साल होने वाला है, तो इसका कैमरा क्वालिटी आप देख सकते हो कितनी मतलब ख़राब आ रही इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो। तो इन दोनों के कंपैरिजन में देखा जाए तो मुझे पर्सनली सैमसंग गैलेक्सी S20 FE5G का कैमरा क्वालिटी अच्छी लगी, लेकिन जो हमने नाइट में फोटोज़ क्लिक किए थे वो OnePlus के थोड़े बहुत अच्छे फोटोज़ आते हैं। तो गाइस चॉइस इज़ योर्स कि आपको कौन सा स्मार्टफोन बाय करना है, तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, किस प्राइस ब्रैकेट में आपको कम बजट में स्मार्टफोन मिलता है, उस हिसाब से आप कोई भी एक स्मार्टफोन जो बाय कर सकते हो। तो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के इस वीडियो में इतने दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।